हाँ भाई पहुंचने वाले हैं हम बारात पे, ठीक है, लेट हो गए थे लेकिन अब क्या करें, बारात में ये सब चलता है, ये सीन चलता है बारात में, इसी वजह से ये प्रॉब्लम थी, ये रीज़न था, इसको जो कह लो कि जो है वो शुरू का पार्ट नहीं दिखा पाया। अब आगे क्या देखते हैं, अभी मैं गाड़ी में ही। ये है आज का वेन्यू, शूट जो है वो इस वक्त रवा दमा है और जो है फौरी चल रही है, इस तरह होता है शूट, वेडिंग शूट, पाकिस्तानी वेडिंग्स ये देखने को मिल जाएंगी आपको, ठीक है, स्टे ट्यून्स। कुछ लाया हूँ ये देखो, अब मेन चीज़ जो है ना वो सारे पैसे इसके हैं, क्योंकि सीन्स कुछ ऐसे हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो सब, उम्मीद है ठीक होगे, और मैं बहुत लेट हूँ, मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आ रही है, क्योंकि भाई मैं था बीमार, अभी भी बीमार हूँ, शक्ल से अंदाज़ा लगा लिया होगा आप लोगों ने, तो बीमार चल रहा था काफ़ी, प्लस मेरे चैनल पे जो है वो दो स्ट्राइक आ गए थे, एक चाइनीज़ बंदे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई भाई मुझसे, जो है उसने चैनल पे स्ट्राइक भेज दिया, और यूट्यूब की तरफ से एक स्ट्राइक आ गया, चैनल मेरा जो है वो आई वॉज अनेबल टू पोस्ट वीडियो। आज की जो चीज़ है वो है वीडियो पाकिस्तानी वेडिंग्स के बारे में, पाकिस्तानी वेडिंग्स फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो इसको यार मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये डिपेंड करता है बजट का सिलसिला क्लाइंट के ऊपर, कि क्लाइंट की क्या डिमांड्स हैं, उसी हिसाब से इक्विपमेंट आता है, जो आर्टिस्ट मतलब वीडियोग्राफर है फोटोग्राफर है उसका जो इक्विपमेंट है वो मैटर करता है बजट के ऊपर क्लाइंट के। तो मेरा जो, मैं भी फोटोग्राफर हूँ, वीडियोग्राफर नहीं हूँ, फोटोग्राफर हूँ, तो मेरा जो है वो लोएस्ट एवरेज मेरा जो चले जाता है, एवरेज शूट जो होता है वो मैक्सिमम कह लो तो अराउंड 40 to 50,000 के करीब शूट एक होता है, जिसमें माइयों का बारात और वलीमा, सही है, बाकी क्लाइंट के ऊपर होता है बजट के हिसाब से कि उसकी अगर एक्स्ट्रा टर्म्स और कंडीशंस हैं उसकी कुछ, तो उस हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कि अगर उसको वीडियो बनवानी हो तो फिर उसका अलग होता है, फिर वो 60-70 पे कहानी चली जाती है, लाख पे भी कहानी चली जाती है, उससे ऊपर भी कहानी जाती है, जिस तरह यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना जो है वो मीठा होगा, जो भी बना शूट चल रहा होता है। अब शूट के बीच में कोई वीडियोग्राफर आ जाता है, बोलते यार ये मेरा शूट चल रहा है सर, ये दूसरा फोटोग्राफर है, इसने मुझे नहीं दिया, मुझे 10 मिनट दिलवा दें, मुझे 15 मिनट दिलवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें, उसको भी देखना होता है कि हाँ यार मुझे अपने भी शूट करना है भाई, मुझे अपने भी क्लोजअप लेने हैं, ये करना है, मुझे अपने जो है कैंडल्स मारने हैं, या अब चलो सब खत्म हो गया यार, अभी गेस्ट आना शुरू हो गए यार, इधर मतलब बंदा पागल हो जाता है लिटरली यार, बंदा मतलब बोलता है यार मैं कहाँ फंस गया, गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं, काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपका सबसे अच्छा शूट तब होता है जब ब्राइड ग्रूम हों अकेले वेन्यू पर, अकेले हम लोग साथ हों, मतलब टीम साथ हो पूरी, तो मज़ा आता है शूट करने का, ठीक है, तस्वीरें बन जाएँ, बाद में क्लाइंट हमसे कुछ ना बोले, तो उसके लिए हमारे को कुछ ये होता है कि वो एक दो कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं जो कि टेम्प्रेरी होते हैं लेकिन बहुत अच्छे हो जाते हैं बाद में, जैसे किसी को भी भाई बना लिया हम लोगों ने, भाई उसको फैमिली को यार ज़रा इधर लेके आ जाए ना थोड़ी देर के लिए, अच्छा तो भाई वो बड़ी मान जाते हैं बात को, उनका भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का मैं, तो वो मान जाते हैं बात को और लेकर आ जाते हैं, हमारा काम आधा इस तरह ख़त्म हो जाता है। तो अब आते हैं मेन चीज़ पर, बहुत बकवास कर ली मैंने जितनी करनी थी, नज़ला भी मुझे है, आप वो सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में यार ये बंदा एड लगा के बैठा हुआ, भाई मुझे विरासत में दो चीज़ें मिली हैं, एक तो है वो तेवर के साथ गुस्सा, दूसरा मिला है ये नाक है ना, ये देखें दाँत चुरंगी जा रही है, ये नाक की हड्डी टेढ़ी है, जो साइनस नाक का गोश बढ़ा हुआ है, बचपन की बीमारी है, नज़ला रहता है मुझे, तो सही है भाई, तो इस वजह से मुझे बीमार रहता हूँ अक्सर, 365 दिन में से 364 दिन में बीमार रहता हूँ, एक दिन आगे पीछे कर लो। तो अब मैं क्या बोला था, खाली हाथ ना आया था, खाली हाथ जाऊंगा, तो कुछ लाया हूँ ये देखो, अब मेन चीज़ जो है ना वो सारे पैसे इसके हैं, क्योंकि सीन्स कुछ
देख लिया, मजा आया, कैसी लगी?